नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज़ में पास नहीं हो सकते हैं। तो हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा भाग हमारा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों जो बच्चे या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, और हम कर्म भी करते रहते हैं और फल की इच्छा भी नहीं करते हैं तो भी हम नहीं पास हो पाते। तो इसका मतलब कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी परीक्षा को पास करना हो या फिर किसी पेड़ से फल को तोड़ना हो। क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हम खुद कुएं के पास जाते हैं, खुद नल के पास जाते हैं, नल या कुआं हमारे पास नहीं आता है। मेहनत करके या चल के जाएंगे तभी हमारी प्यास बुझेगी। तो आपको मेहनत उतनी ही करनी है, मेहनत में कमी कभी नहीं करनी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। बस इतना है कि आपका थोड़ा बहुत जो भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको उस अपने भाग को ही चमकाना है। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप सभी हैं जितने लोग हैं भगवान शिव पर रोज़ाना जल चढ़ाते होंगे, जो हमारे सनातनी हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के हैं वो सभी, या सूर्य भगवान या शिव भगवान या जिन्हें भी आप जिस भी देवता को मानते हैं उन्हें फूल या जल जरूर चढ़ाते होंगे। तो बस आपको एक छोटा सा ही उपाय करना है। वो उपाय क्या है? जब आप भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाएं तब आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है उस पर चंदन लगाना है और मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर देना है। देखना आप केवल इतना ही छोटा सा उपाय करेंगे कैसे आपका भाग्य चमक जाएगा। कितना भी आपका भाग्य विपरीत चल रहा हो, खराब चल रहा हो, आपके हाथों की रेखाएं कितनी भी खराब हो वो अपने आप सही हो जाएंगी। आपके भाग्य को सुधारने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपके भाग को सुधारेंगे हमारे महादेव। आप केवल इतना सही उपाय करेंगे, केवल चंदन और शहद का ही उपाय करेंगे, देखना आपकी किस्मत कैसे चमक उठेगी, कैसे आपको हर एक कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। मेरे बाबा भोलेनाथ कैसे इस शहद के उपाय से आपकी किस्मत चमका देंगे आप खुद देखेंगे।